चैप्टर 15 का आखिरी हिस्सा है जिसमें हम फैराडेज लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इसमें हम जनरेटर, मोटर और जनरेटर और मोटर में बैक ईएमएफ इफेक्ट और आखिर में हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। जनरेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है जो कि हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक कॉइल हो जिसके एन लूप्स हैं और उसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है एप्सिलॉन के बराबर। इस सेटअप में हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखते हैं और फिर उस कॉइल के ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके उसको टर्न कराते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरी हैं वो चेंज होती हैं, हमारा फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। और फिर हम इस पूरे इक्विपमेंट को एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दे रहा है और उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हम देख चुके हैं कि अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखी जाए और उसको मैकेनिकल फोर्स के जरिए वेलोसिटी वी से मूव कराया जाए तो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इस वायर में वो बराबर होती है एल वी क्रॉस बी के। एल इस वायर की लेंथ होती है। अब जनरेटर के लिए हम इस वायर को एक लूप की कॉइल की शक्ल देते हैं, इसमें एन नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, तो इस इक्वेशन में मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और साथ में इसको टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि पहले सिर्फ एक वायर थी जिसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, अब दो वायर्स हैं जिनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, बाकी की दो साइड्स चूंकि पैरेलल हैं इसलिए उनमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मेरे पास ईएमएफ आ जाती है टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मेरे पास ईएमएफ आ जाती है टू एन एल और क्रॉस प्रोडक्ट को खोल के हम लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा। चूंकि मैं इसको रोटेट करा रही हूँ तो फिर इस एक एक्सिस के गिर्द ये रोटेट करेगा और एक्सिस से लेके जिस पॉइंट पर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो डिस्टेंस अगर आर है तो फिर मैं इस लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकती हूँ 2nL r ओमेगा b साइन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है ओमेगा t के। इस इक्वेशन में लिखने से ये फायदा होगा कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 2 और l r मिलके एरिया बना देते हैं उस वायर का, मैं लिख सकती हूँ n a ओमेगा b साइन ओमेगा t जो कि मेरी टोटल ईएमएफ है। इस ईएमएफ को अगर मैं r से डिवाइड करूँ तो मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, इसको मैं आई नॉट कह देती हूँ। करंट का एक्सप्रेशन एक साइन वेव का फंक्शन है। करंट का अगर हम वेव फॉर्म लें वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर हम थीटा लें या टाइम लें तो हमारे पास ऐसा ग्राफ आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ, वी क्रॉस प्री है हमारे एक्सप्रेशन में। वी दरअसल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स है, तो फिर करंट मैक्सिमम होता है और फिर जब साइन थीटा चेंज होता है तो करंट कम होना शुरू हो जाता है। जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है, अब मैं जब फोर्स अप्लाई करूंगी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा इसलिए करंट जीरो होगा और फिर इससे आगे राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाती है और नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है जो मैक्सिमम पे जाता है और फिर वापस आ जाता है और ये साइकिल हर टाइम पीरियड टी के बाद रिपीट होता है। ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन अल्टरनेट करती है, पहले पॉजिटिव होती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। एन अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय अ, हमने देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट हमें कॉइल से जनरेट कराते हैं, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं मैकेनिकल फोर्स के जरिए। इससे जो हमें आउटपुट मिलती है वो एक साइन वेव की फॉर्म में होती है। इससे हम आउटपुट लेते कैसे हैं, हम इसके कनेक्शंस, ये जो इसकी वायर्स आ रही होती हैं इसके आगे रिंग्स लगा देते हैं, एक रिंग एक के साथ, एक रिंग दूसरे के साथ, और इन रिंग्स के साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रश के जरिए होता है जिसमें तारे होती हैं। ये ब्रश इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो रिंग्स हैं अंदर वाले ये रोटेट करते हैं जब ये कॉइल रोटेट करता है, इससे हमें साइन वेव की आउटपुट मिलती है। इस आउटपुट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन दो रिंग्स के बजाय स्लिप रिंग्स लगा देते हैं जो कि हाफ रिंग्स होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब ये कॉइल हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है करंट की, पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे मेरे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिल रही है, फिर जब हाफ सर्कल कंप्लीट होगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ मुझे हमेशा नेगेटिव ही मिलती रहे, तो जब हाफ सर्कल कंप्लीट होगा तो मेरा नीचे वाला जो रिंग है इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और दूसरे वाला जो नेगेटिव हो चुका है अब ये वाला वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो
यहाँ से अगर मैं देखूंगी नीचे से तो मुझे इस पे हमेशा नेगेटिव, इस पे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसकी अगर मैं आउटपुट देखूँ तो वो ऐसी होगी, साइन वेव को इन्वर्ट करके हमें जैसी आउटपुट मिलती है। ये साइन वेव होता है, अब हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे तो हमें ऐसी आउटपुट मिलेगी। इस आउटपुट को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, क्योंकि ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। इस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड, हमने अभी देखा, अ रेक्टिफायर। बाकी ऑप्शंस में क्या है? एम्पलीफायर तो सिर्फ उसको एम्पलीफाई करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, ऑसिलेटर कोई चीज जो ऑसिलेट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन से उसको कहते हैं, तो रेक्टिफायर हमारा दुरुस्त जवाब है। एक मोटर के लिए भी वही इक्विपमेंट यूज होता है जो एक जनरेटर के लिए होता है, मगर मोटर के केस में हम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे सप्लाई करते हैं? इस कॉयल के दो एंड्स के ऊपर हम एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं और जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक टॉर्क एक्ट करता है और ये मोटर रोटेट करती है। इस मैकेनिकल मोशन को मैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकती हूँ। मसलन एक ड्रिल जो दीवार में सुराख करने के काम आती है, इसके पीछे एक मोटर होती है और मोटर के साथ ये स्क्रू अटैच होता है। जब मोटर घूमती है तो स्क्रू भी घूमता है और इसकी मदद से हम दीवार में सुराख कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर्स हैवी मशीनरीज और बहुत सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को कहते हैं। बैक ईएमएफ इफेक्ट मोटर और जनरेटर दोनों में देखा जाता है। जनरेटर के केस में हम कॉयल को मैकेनिकल फोर्स के जरिए मूव कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये ऐसा होता है जैसे हमने लेंजेस लॉ में पढ़ा था कि एक कॉयल के पास जब मैं एक मैग्नेट लेके आ रही होती हूँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही होती हैं इस एरिया में से, यानी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह होती है कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो इसको अपोज करती है, और जब मैं मैग्नेट आगे लेके जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक रेजिस्टेंस फेस होती है, रिपल्जन होती है। इसी तरह जब मैं जनरेटर को चलाने की कोशिश करती हूँ पहली दफ़ा तो मुझे एक रेजिस्टेंस महसूस होती है, और ऑपोजिट जब मैं जनरेटर को रोकने की कोशिश कर रही होती हूँ तो फिर ऐसा होता है जैसे मैं एक मैग्नेट को दूर ले जा रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन अपनी ऑपोजिट कर लेती हैं और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करती हैं ताकि मैग्नेट दूर ना जाए, और फिर से मुझे रेजिस्टेंस फेस होती है। इसी तरह जनरेटर को रोकते हुए भी रेजिस्टेंस फेस होती है बैक ईएमएफ इफेक्ट की वजह से। मोटर के केस में क्या होता है कि हम इस लूप को कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ, जब इसमें करंट फ्लो करता है उस करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा होता है इस रिलेशनशिप की वजह से। तो जब मोटर ऑन करते हैं करंट पहले कम होता है और फिर ज्यादा होता है, करंट ज्यादा होता है फ्लक्स ज्यादा होता है, ईएमएफ की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, इस करंट को अपोज करने की कोशिश करता है। मोटर जब ऑन करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, जब मोटर ऑफ करते हैं तो करंट ज्यादा होता है और फिर कम हो जाता है, यानी फ्लक्स कम हो रहा है। अब जब फ्लक्स कम होता है तो ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह होती है कि करंट जो मेरी मोटर के करंट की डायरेक्शन है उसी में फ्लो करेगा और फिर करंट को ज्यादा करने की कोशिश करेगा, तो इसको बैक ईएमएफ इफेक्ट कहते हैं मोटर के अंदर। इस स्ट्रक्चर की मदद से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ी थी। इस स्ट्रक्चर को हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इसमें एक प्राइमरी कॉयल होता है और एक सेकेंडरी कॉयल होता है। प्राइमरी कॉयल में से जब करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। प्राइमरी के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है जिसको हम ईपी कहते हैं, और सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको हम ईएस कहते हैं। ये हमें फैराडेज लॉ से पता है कि बराबर होते हैं जितने नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी में और जितना चेंज ऑफ फ्लक्स है जो कि प्राइमरी की वजह से आ रहा है, और प्राइमरी बराबर है जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉयल में और चेंज ऑफ फ्लक्स। दोनों केसेस में चेंज ऑफ फ्लक्स एक जितना है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें ES ओवर EP तो फिर हमारे पास ये फ्लक्स वाला फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ NS ओवर NP आ जाएगा। इस EMF को हम वोल्टेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि एक सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज होती है वो बराबर होती है IR उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो हम इस केस में ज्यूम करते हैं कि वो रेजिस्टेंस जीरो है तो हमारी वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पर ES ओवर EP के बजाय VS ओवर VP भी लिख सकती हूँ। VS ओवर VP भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NS ओवर NP। इस रिलेशनशिप का मतलब है, अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिखूँ, इस रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे
तो वोल्टेज भी सेकेंडरी के अक्रॉस ज़्यादा होगी। अब अगर मैं इसको इस पूरे सिस्टम को देखूं, तो मैं यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ वी पी जो कि कम है, और आउटपुट पे मुझे एक वोल्टेज मिल रही है इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जहाँ पर भी मैं ले रही हूँ वी एस जो कि वी पी से ज़्यादा है। वी एस वी पी से ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के प्राइमरी वाले के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा हैं। ऐसे इक्विपमेंट को हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं क्योंकि वो हमारी वोल्टेज को कम से ज़्यादा कर रहा है। और इसका फायदा क्या होता है हम अभी देखते हैं पावर की टर्म्स में। एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर इनपुट के ऊपर प्राइमरी करंट और प्राइमरी वोल्टेज होती है, और आउटपुट में हमें सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज मिल रही होती है। इसकी अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाहें तो पावर बराबर होती है करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। हम एक आइडियल सिस्टम अज्यूम करते हैं जिसमें इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर है, तो हमारे पास आई पी वी पी बराबर होगा आई एस वी एस के। इसका मतलब यह है कि अगर फर्ज करें कि मैं एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से वी एस ज़्यादा कर दूं, तो मेरा आई एस खुद ब खुद कम हो जाएगा। जब हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर करंट ट्रांसफ़र करना होता है तो हम बजाय इसके कि हम करंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र करें, हम उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि करंट के केस में लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब हम उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करते हैं तो लॉसेस कम होते हैं। इसके लिए हम शुरू में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, इनपुट के ऊपर करंट ज़्यादा होता है और वोल्टेज कम होती है, और आउटपुट के ऊपर इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है और करंट कम हो जाता है। और ये हम कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज़्यादा कर देते हैं और प्राइमरी के कम कर देते हैं, और यूँ हाई वोल्टेज ट्रैवल करती है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, और दूसरे पॉइंट पे इनपुट पे हमारा ज़्यादा वोल्टेज आ रही थी और करंट कम था, ये इसको स्टेप डाउन कर देता है क्योंकि हम सेकेंडरी के लूप्स को कम रखते हैं और प्राइमरी के लूप्स को ज़्यादा रखते हैं। हमारे पास दोबारा से हाई करंट वापस आ जाता है और वोल्टेज कम होती है।